इसमें सबसे पहले हम प्राप्त करेंगे एमएस वर्ड का परिचय, साथ ही सीखेंगे एमएस वर्ड स्टार्ट करना और जानेंगे रिबन, क्विक एक्सेस टूलबार और रूलर इत्यादि के बारे में। एमएस वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम है जिसकी सहायता से आप बहुत ही आसानी से कोई भी लेटर, रेज्यूमे, रिपोर्ट आदि को बना सकते हैं। इसी के साथ यदि आपको डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग चेक करना हो, कोई वर्ड या लाइन ऐड करना हो या डिलीट करना हो तो आप कर सकते हैं, या उसकी फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, अर्थात फॉन्ट, फॉन्ट साइज, कलर आदि का उपयोग कर सकते हैं। पेज पर बॉर्डर का उपयोग करना हो तो वो भी कर सकते हैं, और यदि कोई टेबल, पिक्चर आदि लाना चाहते हैं तो वो भी आप इसमें बड़ी आसानी से ला सकते हैं। सबसे पहले हम इसे ओपन करना सीखते हैं। ये रहा आपका स्टार्ट बटन, इस पर क्लिक करें, ऑल प्रोग्राम्स पर जाएं, और ये यहाँ पर है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, इस पर क्लिक करें। ये देखिए, ये रहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007, इस पर क्लिक कर दें, और ये एमएस वर्ड 2007 की विंडो हमारे सामने खुल गई है। यहाँ पर आप देखेंगे सबसे ऊपर जहाँ पर लिखा है डॉक्यूमेंट वन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये है हेडर बार, और सबसे कोने में ये जो चिन्ह है जो आपके पॉइंटर को वहाँ ले जाते से ही गोल्डन चमकने लगता है, ये है एमएस ऑफिस बटन। इस पर क्लिक करके आप इसे खोल सकते हैं, और यहाँ से आपको अगर कोई नई फाइल लेना है, ओपन करना है, सेव करना है, प्रिंट करना है, तो ये सारे ऑप्शन आपको यहीं से मिल जाते हैं। इस एमएस ऑफिस बटन के पास में आप देखेंगे ये है क्विक एक्सेस टूल बार। यहाँ पर आपको सुविधा मिलती है कि आप बाहर से अगर कुछ चीज़ों को ऑपरेट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, जैसे कि अगर आपको सेव करना है, या फिर आपको अंडू करना है, या फिर आपको नया डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है, तो वो यहाँ पर बाहर आपको सुविधा दी हुई है, यहीं से तुरंत क्लिक करके आप उस ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। अगर आप इसमें कुछ और ऑप्शंस जोड़ना चाहें तो यहाँ पर डाउन एरो पर जाएं, और ये देखिए यहाँ पर हमने जो भी ऑप्शंस ले रखे हैं उन पर टिक लगा हुआ है। इनके अलावा अगर आप इसमें कुछ और ऑप्शन जोड़ना चाहते हैं, ईमेल के लिए, क्विक प्रिंट के लिए, प्रिंट प्रीव्यू के लिए, तो आप उस पर क्लिक करके उसे यहाँ जोड़ सकते हैं, और अगर आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर उस पर वापस क्लिक करेंगे तो वह यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पर आपको मिलेंगे बिल्डिंग ब्लॉक टैब्स। ये अलग अलग टैब्स हैं, जैसे होम, इंसर्ट, पेज लेआउट इत्यादि। जिस भी टैब पर क्लिक करेंगे आप, उसके अंदर फिर आपको बहुत सारे ब्लॉक्स मिलेंगे। ये अलग अलग ब्लॉक्स हैं, जैसे फॉन्ट ब्लॉक ऑफ होम टैब है, ये पैराग्राफ ब्लॉक ऑफ होम टैब है। इसी तरह से अगर आप इंसर्ट में जाएंगे तो ये और दूसरे अलग अलग ब्लॉक्स आ जाएंगे, और पेज लेआउट में जाएंगे तो दूसरे अलग ब्लॉक्स आ जाएंगे। इन अलग अलग ब्लॉक्स में आपको अलग अलग ऑप्शंस मिलेंगे जिनका ज़रूरत पड़ने पर आप उपयोग कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे यहाँ आपको मिलता है रूलर, ये आपको हॉरिजेंटल, वर्टिकल दोनों तरफ मिलता है, जिससे कि आप पेज सेटिंग और पैराग्राफ सेटिंग कर सकते हैं। राइट हैंड साइड पर आप देखेंगे ये है स्क्रोल बार, ये यहाँ पर ऊपर से नीचे जाने के लिए है, और उसी तरह से नीचे आप देखेंगे दाएं से बाएं जाने के लिए भी आपके पास ये सुविधा है, और ये यहाँ नीचे की तरफ है स्टेटस बार। इससे आपको पता चलता है कि कितने पेजेस आपके लिखे जा चुके हैं, कितने वर्ड्स हो गए हैं, और इसी में अगर आप राइट हैंड साइड पर जाएंगे तो यहाँ देखेंगे जूम इन और जूम आउट करने की सुविधा आपको है। अगर आप प्लस की तरफ बढ़ेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, और अगर आप जूम आउट करना चाहते हैं तो ये आप माइनस की तरफ बढ़ते जाएंगे, जितना आप बढ़ेंगे उतना ये जूम आउट हो जाएगा। आज का अध्याय था एमएस वर्ड 2007। इस अध्याय में हमने जाना एमएस वर्ड के बारे में, साथ ही सीखा एमएस वर्ड स्टार्ट करना, और जानकारी प्राप्त की रिबन, क्विक एक्सेस टूल बार, रूलर इत्यादि के बारे में।